आखिर किस पे भड़के एली गोनी? जी हाँ, क्यों आया उनको इतना गुस्सा और फैंस ने क्यों किया उन्हें शांत? क्या है पूरी जानकारी, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूड्स। आपको बताना चाहूंगी कि एली गोनी बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं, पर किस पर भड़के हुए हैं, क्यों भड़के हुए हैं, आइए बताती हूँ। एली गोनी ने पहले तो एक ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट पे लिखा है कि सॉरी टू से, और एक उन्होंने एक होटल को टैग किया है जो कि श्रीनगर में है, और लिखा है कि मेरा एक्सपीरियंस आपके यहाँ पे पथेटिक था और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो 5 स्टार प्रॉपर्टी के नाम से, और आप जो प्राइजेस जो आप चार्ज करते हो किसी भी तरीके से वो वर्थ नहीं है, आपकी सर्विस बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं कभी भी किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगा आपके होटल को। तो ये सारी बातें लिखी हैं और अपना गुस्सा जाहिर किया है, जो एक बैड एक्सपीरियंस था उनका वो शेयर किया उन्होंने, ताकि जो भी इस होटल में जाए वो जाने से पहले 10 बार सोचे। तो इस तरीके से उन्होंने ये पूरा ट्वीट लिखा है, और ट्वीट जैसे ही बाहर आया वैसे ही फैंस कहीं ना कहीं जो एली गोनी का गुस्सा है वो शांत कराने में लग गए और उनका सपोर्ट कर रहे हैं, एली गोनी को कह रहे हैं कि आप रिलैक्स कीजिए, शांत हो जाइए, हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं आपका गुस्सा जायज़ है, और जब भी हम कोई जगह पर जाते हैं और इस तरीके की चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम बहुत अच्छा खासा पैसा भरते हैं और हमें उसके हिसाब से चीज़ें नहीं मिलती, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और गुस्सा आता है। तो वी कैन अंडरस्टैंड, फैंस सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एली गोनी ने तो अपनी बात कह दी है। आप सभी ने ये ट्वीट पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और अगर आपने ट्वीट पढ़ा तो आप सभी का क्या रिएक्शन है हमें ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके, और देखते रहे फीफा फूड्स इसी तरीके की खबरों के लिए।